रणजीत बब्बी अज हमारे जो बड़े भाई साहब हमारे उन अचानक उनकी मृत्यु हो गई थी, इस करके उन्होंने उनकी इच्छा थी कि मंदिर में हम राम दरबार रखें, प्राण प्रतिष्ठा कराए, तो हमने आज प्राण प्रतिष्ठा कराई है तो उनको स्वर्गों में शांति मिले, ये हम सबसे कामना करता हूँ। जय उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो आज बहुत ही शुभ अवसर है, स्वर्गीय श्रीमान प्रेम रतन जी, उन्होंने धर्म पत्नी श्रीमती कांता देवी जी, उन्होंने सुपुत्र प्रीतराज जी और उन्होंने बहू बेटी बिंदु शर्मा और समुचा परिवार गर्ग गोत्र और बिंदु के मायके वाले और प्रीतराज के सारे कुल के और विजड़ से आए हुए प्रधान बब्बी जी और उनके दूसरे ब्रदर सवारी में जो रहते हैं वहां से आए हैं और भी सारे ही रिश्तेदार इस शुभ मौके पर पहुंचे हैं, क्योंकि प्रीतराज जी ने अपने पिताजी के जो वचन थे कि मैं राम मंदिर दरबार की प्रतिष्ठा करवाऊंगा, तो वो करवाने से पहले इस संसार को अलविदा कह के भगवान के चरणों में वास कर लिया। उस प्रतिज्ञा को उनके सुपुत्र प्रीतराज जी ने, उनकी प्रीतराज की मम्मी कांता देवी जो कि प्रेम रतन जी की धर्म पत्नी है, उन्होंने इस प्रतिज्ञा को, इस संकल्प को पूरा कराया और सारा परिवार आज इस परिवार में, इस दरबार में नतमस्तक हुआ, सबने आशीर्वाद लिए। श्री राम दरबार की मूर्ति हनुमंत महाराज, श्री राम भगवान जी, श्री शेषनाग रूप में श्री लक्ष्मण जी, श्री सीता माता जी, सारे बजवाड़ा निवासियों को आशीर्वाद देने के लिए आज विराजमान हो गए और गर्ग गोत्र में जितने भी जीव हैं, प्राणी हैं और परिवार हैं, सबको श्री भगवान जी आशीर्वाद देंगे इस शुभ अवसर पर। और सबने संकीर्तन किया, आदरणीय पंडित जी अश्विनी कुमार, आदरणीय पंडित जी प्रभाकर जी, आदरणीय पंडित जी राजेश जी, आदरणीय पंडित जी अजय जी, आदरणीय पंडित पुनीत जी, सभी पंडितों ने बड़े श्रद्धा भाव से इस मूर्ति प्रतिष्ठा में मंत्रोच्चारण किया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नीलाम भुज श्यामल कोमलांगम सीता समरोपित वाम भागम पाणव महासायक चारु चापम नमामि राम रघुवंश नाथम। श्री भगवान जी के मंत्रों का जाप किया, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुंस दशरथ अजर विहारी, तो इन मंत्रों से, इन चुपाइयों से संकीर्तन भी किया और सारी संगत को निहाल किया। अब घर में इनके आज लंगर है इस खुशी में और हवन हुआ है, हवन की पूर्णाहुति होगी और उसके बाद सभी प्रसाद लेकर के अपने अपने घरों को जाएंगे और श्री राम जी का आशीर्वाद इसी तरह इनको सदैव सदैव मिलता रहेगा। बोलिए सियापति रामचंद्र महाराज की। और अयोध्या से श्री भगवान जी के दरबार से राम दरबार चावल आए हैं, उनको भी प्रधान जी ने, पंडित जी को अर्पित किया, सारी संगत को अर्पित किया है और सबने इसका भी आशीर्वाद लिया। बोलिए सियापति रामचंद्र महाराज की जय।